हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा बर्थडे है और मतलब बहुत सारों ने मुझे विश भी किया और बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मुझे बर्थडे विश किया। बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी ना तब मेरी तबीयत ठीक थी। मैंने जो भी सुबह का काम होता है वो फटाफट से किया था, झाड़ पोछा वगैरह सारा काम करके जब मैं कानू को स्कूल स्कूल मतलब कि स्कूल के लिए रेडी करने आई थी रूम के अंदर, तो जैसे उसे नहलाने के लिए बैठी और अचानक से मुझे चक्कर आ जाते हैं, तो मैं उठती हूँ वापस से और कानू को नहला भी नहीं पाती हूँ। उसके पापा को आवाज़ लगाती हूँ कि आप आज इसे रेडी कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बिंदी भी शायद टेढ़ी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो आते हैं और उसे मतलब रेडी करते हैं, फिर मैं जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उसके बाल वगैरह बनाती हूँ क्योंकि उसके बाल उसके पापा से बनते नहीं है, तो मैं बनाती हूँ और उसे स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो उठ के फटाफट से नहा लूँ, पूजा करके आ जाऊँ, लेकिन मेरे से रियल में उठ मतलब उठी भी नहीं हो सकी मैं। उठकर जब वापस बाथरूम के अंदर जाने वाली तो मुझे एकदम से चक्कर आ जाते हैं, मैं बेड पे बैठ जाती हूँ और वहीं वापस लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद मतलब इतना भयंकर मेरा सिर में दर्द होने लग जाता है, मतलब कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मेरी आँखें भी नहीं खुली। मोस्ट ऑफ मुझे 1 घंटे तक काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, मैं सोती रहती हूँ। मुझे लगा कि टेबलेट से सही हो जाएगा लेकिन पता नहीं चला अचानक से मेरे साथ क्या हो गया। एकदम से मतलब 1 मिनट लगा होगा एकदम से तबीयत खराब होने में। मैं हंसते हंसते रूम के अंदर आती हूँ और अचानक से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है। 1 घंटे तक मैं सोती हूँ, मुझे लगा कि सही हो जाएगा, मैं पेन किलर टेबलेट भी ले लेती हूँ कि वही उससे फटाफट से पेन में रिलीफ मिल जाएगा, तो फिर मंदिर भी जाना है। और मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैं सो जाती हूँ, घंटा भर रेस्ट करती हूँ और जैसे ही आँखें खोलती हूँ मम्मी जी आते हैं, नींबू पानी वगैरह पिलाते हैं मुझे कि बेटा नींबू पानी पी ले, क्या पता सिर में कहीं गैस वगैरह चढ़ गई हो तो ऐसे भी तबीयत खराब हो जाती है। नींबू पानी वगैरह पीती हूँ और जैसे पी के वापस मैं उठ के बाहर जाने लगती हूँ मुझे वॉमिट हो जाती है। मैं फटाफट से बाथरूम में आती हूँ, वॉशरूम में आती हूँ, वॉमिट वगैरह करती हूँ और वापस लगता है कि चलो अब थोड़ा सा मन हल्का हो गया है। जैसे बाहर निकलती हूँ वापस एकदम से चक्कर आते हैं, मैं वापस से बेड पे सो जाती हूँ। फिर समथिंग घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है, 12 समथिंग बज जाती है, मुझे कोई ऐसे रिलीफ नहीं मिल रहा होता है कि मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब पे खराब हो ही रही है। फिर कानू के पापा आते हैं तो वो बोलते हैं कि चल तू हॉस्पिटल चल के आ जाते एक बार कि तबीयत ज़्यादा खराब हो रही। तो और रियल में मुझे हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, मतलब मैं टेबलेट ले लेती हूँ बट हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ। लेकिन आज मैंने मतलब खुद ऐसे आगे होकर बोला कि नहीं आप चलो हॉस्पिटल लेके चलो, क्योंकि मेरा सिर इतना भयंकर दर्द हो रहा था, सिर्फ इतना इतनी सी जगह में इतना पेन हो रहा था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि आँखें भी नहीं खुल पा रही थी और इतना पेन हो रहा था कि मतलब बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, हमारे घर के जस्ट पास ही हैं चौधरी हॉस्पिटल, वहाँ पर जाती हूँ। वहाँ पर जाती हूँ, मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ड्रिप चढ़ा देते हैं हाथों में। मैंने वो क्लिप भी रिकॉर्ड की थी, कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ, तो मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड की थी। हॉस्पिटल गई, ड्रिप वगैरह लगाई और 2-3 इंजेक्शन भी लगाए मुझे। उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है और समथिंग अभी शाम की 4 बज चुकी है। आज मेरा बर्थडे है और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज मेरा बर्थडे है। मतलब आई होप कि आज बर्थडे के दिन ही ऐसा होना था क्या मेरे साथ, भगवान अगर कल हो जाता तो सही रहता। ऐसा लगता है मुझे कि आज नहीं होता तो अच्छा रहता यार, आज मेरा बर्थडे था, अच्छा सेलिब्रेट करते हम लोग। पता नहीं क्या हुआ आज ऐसी तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी मैं इंजेक्शन वगैरह लगवा के जब घर आती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लगता है अब मैं सही हूँ। और मैंने आज पहली बार आगे होकर बोला इनको कि मुझे इंजेक्शन लगा दो आप, मुझे इंजेक्शन लगवा दो, मेरे से अब दर्द सही नहीं हो पा रहा है। और अभी तक शाम की 4 बज चुकी है, मैं नहाई भी नहीं हूँ, आज मैंने स्नान भी नहीं किया है क्योंकि इतनी मोस्ट ऑफ इतनी तबीयत खराब थी। तो अब शाम की 4 बजे मैं आई हूँ घर वापस हॉस्पिटल से, अब मैं नहाने जा रही हूँ और आज पूरा रूम भी ऐसे अस्त व्यस्त हो रहा है। तब देखते हैं कि आज का बर्थडे कैसा निकलता है मेरा, क्या होता है। वैसे शाम को कहीं जाने की प्लानिंग हो तो रही है, फिक्स नहीं बोल सकती मैं आप लोगों को, हो भी रही है, लेकिन मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूंगी तो आप लोग जरूर देखना ब्लॉग और देखना कि अब आज मेरा बर्थडे कैसे निकलता है। मेरा सही बताऊँ ना, जीव इतना दुख रहा है कि आज बर्थडे के दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई। मोस्ट ऑफ साल में एक बार आता है और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, हमेशा, इस बार ही नहीं, हाँ हर बर्थडे पे मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। पिछले बर्थडे पे परिवार फैमिली इशूज था तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, मैं अपने पियर थी, मेरे बड़े पापा ऑफ हुए थे तो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ नहीं। उस पिछले साल शायद ऐसा कुछ हुआ था मेरे बर्थडे पे, तो उस टाइम पे भी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई।
और आज मुझे ऐसा लगा कि पिछले बर्थडे पे मैंने लखन जी को अच्छी खासी बर्थडे पार्टी दी थी। मैंने बहुत मेहनत की थी उनके बर्थडे पे, और उनको जो बर्थडे सरप्राइज दिया था, तो आज मुझे भी मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ सरप्राइज। मैं बहुत एक्साइटेड थी सुबह उठी तब, लेकिन पता नहीं किस्मत ही खराब है मेरी, जो मेरे बर्थडे पे ऐसी तबीयत खराब हो गई। और हर बर्थडे पे होता है मेरे पास, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आज मेरा चीख मतलब मन इतना दुख रहा है कि आज आज के दिन क्यों बीमार हो गई। कल हो जाती तो जल्दी रिलीफ मिल जाता, या फिर कल हो जाती एक दो दिन बाद हो जाती, लेकिन कहते ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो अब मैं देखती हूँ कि आगे कैसे क्या सेलिब्रेट होता है, तो आप ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। एक बार मैं फटाफट से नहाकर आ जाती हूँ, शाम की 4 बज चुकी हैं। अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, लग रहा है कि अब तबीयत ठीक है, तो अब फटाफट से नहाकर आ जाती हूँ। फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक मुझे वैसे किसी ने कुछ बोला तो नहीं है, लखन जी ने भी नहीं कहा है, और सब लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, वो भी मैं नहीं ले पाई, क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी तो क्या क्लिप रिकॉर्ड करूँ। भरत भैया ने भी किया था, सब ने किया था, लेकिन नहीं बना पाई वीडियो। लेकिन अब ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, तो अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो आप लोग ब्लॉग के साथ जरूर बने रहिए। थैंक यू। कानू के छुई लगा नहीं है डॉक्टर साहब, कानू आ रहा है, कानू के छुई लगा नहीं है, कानू मिट्टी खाता है। लगाएंगे मेरे को बुखार आ रहा है, मेरे को बुखार आ रहा है, आपको भी आ रहा है ना? पर कुछ खाया नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है मुझे ड्रिप लगवाने से। रियल में मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ, लेकिन उस दिन इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हो गई थी ना बर्थडे के दिन, कि मैंने खुद आगे से होकर बोला कि आप लोग फटाफट मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ और मुझे इंजेक्शन लगवा दो ताकि थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाए। और दीदी भी जानते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो उन्होंने मतलब मुझे बोला कि आप उधर देखो। और रियल में ये ड्रिप लगाई ना, इन्होंने मुझे पता भी नहीं चला कि कब ड्रिप लग गई, मेरी आँखें बंद ही थी, और फिर मैंने देखा तो ड्रिप लग चुकी थी, एंड फिर इंजेक्शन वगैरह भी था उन्होंने उसी ट्रिप में डाल दिए थे। क्या बोला दादी, चॉकलेट खाती है? क्यों, कौन खाता है? मम्मा मम्मा चॉकलेट खाती है ना, तो मम्मा को बुखार आ गया। बहुत सारी चॉकलेट खाती मम्मा जो बुखार आ गया। आती हूँ अब की आया आती हूँ और मेरा जीव सो रहा नहीं है, घबरा गई मैं सुबह से, सिर ऐसा भयंकर दुख रहा है, आंख खोलू नहीं, ऐसा लग रहा है नस फट जाएगी। मेरे छुई ले, ये तुम कहाँ से सीखा बेटा? हाँ आप बोल, मैनर्स अच्छे रख, बाबस लग गई छुई बहुत, अब नहीं लगानी। नहीं मम्मा के यहाँ छुई लग रही है, दूर रहे, देख छुई लग रही है ना, नहीं यहाँ पे नहीं लगानी, हाँ यहाँ यहाँ लगा फिंगर पे लगा, दुखता है ना बेटा। जब भी मैं ट्रिप लगवाती हूँ ना, सही बता रही हूँ, लखन जी को इतना मज़ा आता है ना, मतलब ये बहुत खुश होते हैं मुझे देखकर। और हमारी दादी जी भी हॉस्पिटल में आ गई थी, मतलब कि पूरी फैमिली हॉस्पिटल में आ गई थी कि इसको ड्रिप लग रही है, इंजेक्शन लग रहा है इसका, मतलब इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और सब हंस रहे थे मुझे देख कर। हेलो, तो फाइनली स्नान हो चुका है और समथिंग 4:30 बज चुकी हैं, और अब वापस से मैं ब्लॉग शूट करने बैठ गई, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या रिकॉर्ड करूं, क्योंकि अभी शाम को मुझे खुद को नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, मतलब कुछ आइडिया नहीं है मुझे अभी तक। तो मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ कि घड़ी में टाइम क्या हुआ है, और अब जाके स्नान कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो टाइम भी आप लोगों ने देख ही दिया है, और अब देखते हैं कि देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं। अभी थोड़ी सी देर कानू को पढ़ाई वगैरह करा दूँ, क्योंकि इसके लिए भी स्कूल में 15 अगस्त आने वाला है, तो वो उसके भी डांस प्रैक्टिस चल रही है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है क्या नहीं, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता अभी तक।
हेलो एवरीवन। तो क्या हुआ ना कि आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे, आज फ्राइडे है, लेकिन आज हमारे जो कपल्स हैं, एक कपल वो अभी यहाँ है नहीं, और बिना ऐसे कपल्स के अकेले अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई मजा नहीं आता है। अगर कुछ ऐसे साथ में हो तो सेलिब्रेट करने का भी मजा आता है। तो हम लोग अब संडे को जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो ब्लॉग भी अगले मंडे तक या ट्यूसडे तक लाइव होगा, तो आप लोग ब्लॉग के साथ जरूर बने रहिए। और आज वैसे मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, अभी भी ऐसे हल्के से चक्कर आ रहे हैं और खड़े होने पर ऐसे कमजोरी, एकदम वीकनेस फील हो रही है मेरे को, तो अब आज रहने ही देते हैं और संडे पर ही संडे को ही जाएंगे। तो अभी इतनी हालत भी नहीं कि मैं रेडी हूँ, तो अब मैं नॉर्मली ऐसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि इस रियल बता रही हूँ मैं बिल्कुल हालत नहीं है, और सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया है कि भाई कहीं शाम को कहीं जाएंगे तो अधिक मास चल रहा है तो एक टाइम ही खाना खाना है तो शाम को ही खाएंगे। इस चक्कर में शाम की 7 बज गई और किसी ने कुछ बोला भी नहीं मुझे कि आज नहीं जा रहे हैं, कैंसिल हो गया। अभी जस्ट 7 बजे पता चला है, तो अब मैं खाना बनाऊंगी और खाऊंगी क्योंकि अब बिल्कुल हालत नहीं है मेरी। तो संडे तक आप लोग के साथ बने रहिए और आप देखना कि हम लोग कहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जाते हैं। और इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि चक्कर से आ रहे हैं मुझे, तो आप लोग जरूर ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी मेरे में रियल में, रात के 8 बज चुकी थी, खाना भी नहीं खाया मैंने, इतना चक्कर से आ रहे थे मुझे। तो नाइट को हम वापस से सामराजी जाते हैं और वहाँ पर ड्रिप लगवाने के लिए जाते हैं। लखन जी बोलते हैं वहाँ पर डॉक्टर और अच्छा है, तो वहाँ पर चल वहाँ पर ड्रिप लगवा देते हैं तेरे को, ताकि थोड़ी सी वीकनेस दूर हो जाएगी तेरी। फाइनली सो मैं घर पर आ चुकी थी और रात की 10 बज चुके हैं, और फिर आते ही खाना वगैरह बनाया वापस से रोटी, और मैंने व्रत खोला और बिल्कुल हालत नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम जो बचा था वो फटाफट से फ्री होके उसके बाद मैं रूम में गई थी। तो समथिंग 11 बज चुकी थी पूरे सारे काम से फ्री होने में। हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब मतलब कि जब तक दवाई थी, दवाई का असर था, तब तक मेरी तबीयत ठीक थी। उसके बाद जैसे जैसे दवाई का असर कम होने लगा और वापस से वैसे ही वीकनेस फील होने लग गई, चक्कर आने लग गए। मतलब मैं ना आपको बोल रही हूँ, मुझे तो भी पता होगा कि ये सच में बोला नहीं जा रहा है मेरे से, मैं मतलब खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, तो बर्थडे सेलिब्रेट कर नहीं पाया। और हमारा वैसे कि जैसे कि एक कपल यहाँ था नहीं, तो उस वजह से मैं हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया कि वो भी आ जाए तो फिर सब साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने कहा चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे मेरी तबीयत इतनी ठीक है नहीं, बर्थडे के दिन ही ऐसा होना था मेरे साथ। तो लखन जी ने मना कर दिया कि हम लोग अब संडे को पार्टी रखेंगे तेरे बर्थडे की, और संडे को अपन सब चलेंगे। तो आज बर्थडे के दिन कुछ नहीं हुआ, ना तो कोई केक कटा, और शाम को मतलब इतनी हालत बिगड़ गई थी मेरी कि मुझे वापस साम्राज्य ले जाने के लिए कहते हैं सब कि उन्हें साम्राज्य लेकर जाओ, वहाँ दिखा के लाते हैं। तो लखन जी और हम दोनों साम्राज्य जाते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं ब्लॉग नहीं लेती हूँ क्योंकि आगे पहले से किसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उनको जरा थोड़ी गहरी चोट होती है, तो वो मैं लेती नहीं हूँ क्लिप में, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लेना। तो हम जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पे वापस से डॉक्टर बोलते हैं इन्हें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर वापस मुझे ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, और फिर हम मंदिर भी दर्शन करके आते हैं साम्राजी का, क्योंकि लगन जी बोलते हैं कि आज तेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, चल सांवरे सेठ के दर्शन करके आ जाते हैं। बहुत हिम्मत रखती हूँ मैं दर्शन करने की, और जैसे क्योंकि हॉस्पिटल और मंदिर काफ़ी फास्ट होता है, तो मैंने कहा चलो आज बर्थडे के दिन भगवान के दर्शन तो करके आ जाए, क्योंकि शाम को आरती हो रही थी इसलिए मैंने कहा आरती में भी हो जाएगा रुकना अपना, इसलिए हम आरती में जाते हैं दर्शन करने के लिए। और बहुत मुश्किल से दर्शन करके फिर वहाँ से हम लोग वापस आ जाते हैं घर पे, फिर मैं खाना खाती हूँ। तो समथिंग आज मुझे अभी घड़ी में 11 बज चुकी हैं, लाइटिंग लगा कर ब्लॉग कर रही हूँ, और 11 बजे आज मैंने खाना मतलब सुबह का व्रत था तो 10 बजे तक व्रत खोला, उसके बाद लखन जी के लिए मैंने खाना बनाया और फिर पट्टी वगैरह साफ करके वापस आई हूँ बहुत मुश्किल से हिम्मत रख के, और अब मैं सोऊंगी क्योंकि मेरी रियल में हिम्मत नहीं है ब्लॉग शूट करने की। तो ये पार्ट 1 डालूंगी मैं, और पार्ट 2 बहुत जल्द डालूंगी, तो पार्ट 2 में आप लोगों को बताया जाएगा कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, कैसे पार्टी रखते हैं लखन जी मेरे लिए, वो सारी चीज़ आप लोगों के लिए सरप्राइज सा होगा। तो आप पार्ट 2 भी जरूर देखना, पार्ट 2 में बहुत जल्द लाइव कर दूंगी।
तो ये पार्ट वन में लाइव कर रही हूँ। आपको पार्ट वन कैसा लगा और मेरी तबीयत के बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मतलब कैसा लगा। कहने का मतलब ऐसे कि आज आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आज मैं बर्थडे के दिन बीमार हो गई, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो दो शब्द ज़रूर बोलना। और बहुत धन्यवाद आप लोगों का ब्लॉग देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ब्लॉग की एंडिंग नहीं हुई है, पार्ट वन है, पार्ट टू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, उसमें हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बीमार होगी तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, बर्थडे सेलिब्रेट तो करूंगी लेकिन आज नहीं, संडे तक। आज फ्राइडे है तो आप लोग ज़रूर देखना और पार्ट टू मत देखना भूलना, थैंक यू। एंड हाँ, मैं आप लोगों को कमरे की हालत भी बता देती हूँ, आज मेरा रूम मतलब पूरा रूम कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरी तो हालत थी नहीं सही करने की। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं सुबह का जैसे मैंने छोड़ रखा है ना पूरा रूम, वैसा का वैसा पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल हालत नहीं थी। इधर बताती हूँ आपको, कहीं पे गानों की टी शर्ट बिखर रहे हैं, कहीं शैम्पू, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन अब मैं सही नहीं करूँगी इसे, कल मॉर्निंग में ही करूँगी, मेरी हालत नहीं है रूम सही करने की। अब भी है जैसा जैसा रहने देते हैं, सो जाते हैं, उठ जाएंगे, सिर्फ बेड वगैरह सही कर दूँगी, फिर जो होगा जो कल करेंगे। तो पार्ट टू ज़रूर देखना आप लोग, पार्ट वन में यहीं, पार्ट वन का मैं यहीं एंड कर रही हूँ, पार्ट टू में सारी बर्थडे सरप्राइज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। बाय बाय।